वैसे दोस्तों आपको एक बात तो पता होगी, Xiaomi और Realme एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। Xiaomi ने अपने हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, इसका नाम था Redmi K30 4G और 5G वेरिएंट, ये चाइना में लॉन्च किए गए थे। तो Realme वालों को भी पता नहीं क्या होगा, Realme वालों ने भी कहा कि हम भी अपना एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है Realme X50। इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आ गई हैं, मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये 7th of January 2020 में ही लॉन्च होने वाला है। तो क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा Realme X50 में, मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, Redmi K30 जैसी बहुत सारी सिमिलर आपको इसमें चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे Realme X50 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.44 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलती है, मतलब आपको फ्रंट में राइट टॉप पर दो कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि डिस्प्ले के साथ ही आ रहे हैं। ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं 19Hz रिफ्रेश डिस्प्ले के साथ आएगी, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, और हाँ बैक में भी इसमें आपको कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आएगा ही, क्योंकि आपको पता है सुपर एमुलेट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों रैम वेरियंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। बैटरी दोस्तों इसमें उन्हें पता है कि सुपर एमुलेट स्क्रीन दी गई है तो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उन्होंने बैटरी भी बड़ी डाली है। 4500mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, पूका 4.0 वाला सुपर फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को ना 30 मिनट में 70% तक चार्ज कर देगा, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 1 घंटे से कम में भी आपकी बैटरी फुल चार्ज रहने वाली है। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप अपने स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, और ये 5G वेरिएंट को सपोर्ट करता है, और यही प्रोसेसर आपको Redmi K30 5G वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल रहा है 765G, तो वही सेम आपको इसमें देखने को मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट अ कैमरा, क्योंकि कैमरे पर सारे लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इस टाइम पर। तो इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 64MP का प्लस 8MP का प्लस 2MP का प्लस 2MP का, और 64MP का जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का IMX686 वाला सेंसर है, जो कि इस टाइम पर सोनी की तरफ से लेटेस्ट सेंसर है, और यही सेंसर आपको Realme X2 में भी देखने को मिला है। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया बैक के कैमरे तो अच्छे है ही है, साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, क्योंकि फ्रंट में यहाँ पे आपको राइट में टॉप पर 2 कैमरे देखने को मिलेंगे 32MP का प्लस 8MP का। और कहा जा रहा है दोस्तों ये 8MP का कैमरा रहने वाला है वो अल्ट्रा वाइड रहने वाला है, तो मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि फ्रंट में अल्ट्रा वाइड सेंसर आया है। और ये स्मार्टफोन अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर लेकर के आता है फ्रंट में, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि आप फ्रंट के कैमरे से ग्रुप वाले सेल्फी ले पाएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये 7th of January 2020 में ही लॉन्च हो जाएंगे। रही बात दोस्तों इसकी प्राइस की, तो 6GB 128GB वेरियंट की जो प्राइस रहने वाली है वो 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में रहने वाले हैं। वहीं 8GB 256GB वाले वेरिएंट की जो प्राइस रहने वाली है वो 22 या 23 हज़ार रुपये रहने वाली हो, और इतनी प्राइस में ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका 5G वेरिएंट है तो थोड़ा सा प्राइस तो ज़्यादा आएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं कह सकते हम दोस्तों कि ये आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया में 5G नेटवर्क नहीं है। तो हो सकता है 7th of January 2020 में Realme की तरह से ही ये भी अपना एक 4G वेरिएंट इंडिया में लेकर के आए। अब तो जब भी लॉन्च होंगे तब आपको जरूर से बता देंगे। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार बन रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों और पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।